नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में आज हम लोग ड्रिलिंग टाइम की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग टर्निंग टाइम की बात कर चुके हैं, तो आज ड्रिलिंग टाइम की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रिलिंग टाइम ड्रिल करने में जितना समय लगता है वो ड्रिलिंग टाइम कहलाता है। इसके लिए सूत्र हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्रिल डिवाइड बाय स्पीड इंटू आरपीएम। दोस्तों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्रिल में कंपोनेंट की थिकनेस या जितनी गहराई तक ड्रिल जाता है वो प्लस कोनिकल हाइट ऑफ ड्रिल। दोस्तों, कोनिकल हाइट ऑफ ड्रिल 0.3 इंटू ड्रिल का डायमीटर के बराबर रहती है। फीड मिलीमीटर रेवोल्यूशन में रखी जाएगी और एन जो है वो आरपीएम है। दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ पर एक कंपोनेंट है और उसको ड्रिल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो एल है, तो इसमें कंपोनेंट की थिकनेस प्लस 0.3 डी इज इक्वल टू एल आएगा। डी हमारा ड्रिल का डायमीटर है और यदि हमें फुल लेंथ में ड्रिल ना करना हो तो एल प्लस 0.3 डी करके हमारा आ जाएगा फुल लेंथ। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेट द ड्रिलिंग टाइम टू ड्रिल ए पीस ऑफ 15 मिलीमीटर थिकनेस। ड्रिल का डायमीटर 10 मिलीमीटर है, फीड 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन रखी गई है, स्पिंडल स्पीड 100 आरपीएम है। तो डी 10 मिलीमीटर, एल 15 मिलीमीटर प्लस 0.3 डी विच इज़ इक्वल टू 18 मिलीमीटर, फीड 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है, एन 100 आरपीएम है। तो ड्रिलिंग टाइम एल डिवाइड बाई एफ इन टू एन, तो एल हमारा 18 निकल कर आ रहा है, फीड 0.1 मिलीमीटर है और एन 100 है, तो हमारा उत्तर 1.8 मिनट निकल कर आता है विच इज़ इक्वल टू 1 मिनट 48 सेकेंड। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द ड्रिलिंग टाइम टू ड्रिल ए पीस अप टू 40 मिलीमीटर डेप्थ। 40 मिलीमीटर डेप्थ तक ड्रिल करना है। ड्रिल का डायमीटर 10 मिलीमीटर है, फीड 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन रखी गई है और स्पिंडल स्पीड 120 आरपीएम है। तो ड्रिल का डायमीटर 10 मिलीमीटर है, एल 40 प्लस 0.3 डी विच इज़ इक्वल टू 43 मिलीमीटर, तो 43 मिलीमीटर के बराबर आ रहा है। फीड 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है, एन 120 आरपीएम रखा गया है। तो ड्रिलिंग टाइम एल डिवाइड बाई एफ इंटू एन, तो 43 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 120 विच इज़ इक्वल टू 3.58 मिनट, अर्थात 3 मिनट 34 सेकंड के बराबर आ गया। दोस्तों, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द ड्रिलिंग टाइम टू ड्रिल ए पीस अप टू 30 मिलीमीटर डेप्थ विद ए ड्रिल ऑफ 12 मिलीमीटर, फीड 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, कटिंग स्पीड 30 मीटर्स पर मिनट। दोस्तों, यहाँ पर हमें आरपीएम नहीं दिया गया है किंतु कटिंग स्पीड दी गई है, तो कटिंग स्पीड से हम लोग आरपीएम निकाल लेंगे। तो ड्रिल का डायमीटर 12 मिलीमीटर दिया गया है, एल 30 मिलीमीटर प्लस 0.3 डी विच इज़ इक्वल टू 33.6, अर्थात टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्रिल 33.6 मिलीमीटर रहेगा। तो फीड 0.15 मिलीमीटर रेवोल्यूशन हमें दी गई है, कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट दी गई है। दोस्तों, कटिंग स्पीड पाई डी एन बटे 1000 सूत्र रहता है, तो यहाँ से कटिंग स्पीड 30, डी 12 और पाई की वैल्यू 22/7 रखने पर एन इज इक्वल टू 795.45 आरपीएम निकल कर आता है। जब हम ये आरपीएम ड्रिलिंग टाइम में रखते हैं तो 33.6 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 795, तो हमारा उत्तर निकल कर आता है 0.28 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 16 सेकेंड, तो अर्थात 16 सेकेंड में हमारा ड्रिल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द ड्रिलिंग टाइम टू ड्रिल 3 होल्स इन ए पीस ऑफ 20 मिलीमीटर थिकनेस। यानी 20 मिलीमीटर के थिकनेस के पीस में 3 ड्रिल हमें करने हैं। ड्रिल का डायमीटर 18 मिलीमीटर है, फीड 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन रखी गई है, स्पिंडल स्पीड 200 आरपीएम दिए गए हैं। तो ड्रिल का डायमीटर 18 मिलीमीटर, टोटल एल इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर प्लस 0.3 डी विच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, फीड 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है, एन 200 आरपीएम है। तो ड्रिलिंग टाइम एल डिवाइड बाई एफ इन टू एन, वैल्यू निकालने पर एक ड्रिल का टाइम हमारे पास 1 मिनट 16 सेकंड निकल कर आता है, अर्थात 1.27 मिनट निकल कर आता है। जब 3 ड्रिल करेंगे तो 1.27 × 3 अर्थात 3.81 मिनट विच इज़ इक्वल टू 3 मिनट 48 सेकेंड। आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
कैलकुलेट द ड्रिलिंग टाइम टू ड्रिल ए पीस अप टू 36 मिलीमीटर डेप्थ विद अ ड्रिल ऑफ 18 मिलीमीटर यूजिंग फीड 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन और कटिंग स्पीड 30 मिलीमीटर पर मिनट। दोस्तों यहाँ पर हमें कटिंग स्पीड दी गई है लेकिन आरपीएम नहीं दिया गया, तो ड्रिल का डायमीटर 18 मिलीमीटर, 36 मिलीमीटर के डेप्थ तक करना है ड्रिल और 0.3 डी से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्रिल 40.5 मिलीमीटर आएगा। फीड 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन दी गई है, कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट दी गई है। तो दोस्तों आरपीएम जो निकल कर आ रहा है, कटिंग स्पीड का फार्मूला है पाइडियन बटे 1000, कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट और डी 18 मिलीमीटर और पाई की वैल्यू 22/7। तो यहाँ से आरपीएम 530.30 आरपीएम निकल कर आ रहा है। तो ड्रिलिंग टाइम का सूत्र एल डिवाइड बाई एफ इंटू एन, तो एल 40.5, फीड 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन और एन 530। तो यहाँ से हमारे पास ड्रिलिंग टाइम 0.5 मिनट अर्थात 30 सेकेंड्स सूत्र निकल कर आता है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, पहले भी लाते रहे हैं और आपने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है। तो आगे भी आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों आज हम लोगों ने ड्रिलिंग टाइम की कैलकुलेशन के बारे में बात की। धन्यवाद।